बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको ऐसा पूछा है बेटा कि आप मेजर प्रोडक्ट बताओ, कि जैसे यहाँ बताया वन ब्रोमो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन हो गया, ये स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट पोजीशन है, तो फर्स्ट पोजीशन पर बीआरबी प्रेजेंट है और यहाँ पर सीएससी प्रेजेंट है, तो ये हो गया है वन ब्रोमो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। यहाँ आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है, अब क्या क्या चांस है वो देखो। तो डिहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन को रिमूव करना है, हाइड्रोजन को रिमूव करना है, तो सपोज यहाँ से बीआर रिमूव होता है तो बाजू वाला नेक्स्ट कार्बन ये है, ठीक है, तो बाजू वाला जो कार्बन है वहां से क्या जाएगा बोलो, वहां से हेलोजन गया तो बाजू वाले कार्बन से क्या जाएगा, तो यहां से यदि हेलोजन गया आपका हाइड्रोजन जाएगा, तो यहां पे डबल बॉन्ड बनेगा, तो पहला डबल बॉन्ड यहां बना लिया, दूसरा डबल बॉन्ड बनने के क्या चांस है, तो ये कार्बन के पास से हेलोजन गया तो दूसरा बाजू वाला कार्बन तो ये भी है ये भी है, तो या तो यहाँ से एच जाएगा या तो यहाँ से एच गया, तो मैंने क्या किया यहाँ से एच निकाल दिया, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड हो गया। अब आप सोचो कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट, तो सिरजेफ का रूल था कि जिस साइड ज़्यादा कार्बन एटम हो उस साइड से हाइड्रोजन को रिमूव करो। अब इस साइड ज़्यादा कार्बन है, देखो ये आपका मेन कार्बन है, यहाँ हेलोजन है, अब उसके अड़ोस पड़ोस के कार्बन देखना है, तो अड़ोस पड़ोस में एक ए कार्बन है और उसके बाजू में ये कार्बन है, लेकिन इस कार्बन के साथ एक दो तीन चार ऐसे पूरा कार्बन अटैच है, जबकि इसके बाजू वाले कार्बन के साथ और कुछ अटैचमेंट नहीं है, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये मेजर प्रोडक्ट है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, आपका क्वेश्चन क्या है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, आपको स्ट्रक्चर गिवन है वन ब्रोमो वन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और उसमें से आपको डिहाइड्रोहेलोजिनेशन हेलोजन और हाइड्रोजन को रिमूव करना है, और कौन सा मेजर प्रोडक्ट होगा वो आपको बताना है। तो हेलोजन निकालना है, हाइड्रोजन निकालना है, तो एक कार्बन के पास से हेलोजन जाएगा, उसी बाजू वाले कार्बन के पास से हेलोजन जाना चाहिए, तो बाजू वाले दो कार्बन है, एक यहाँ पर है एक और एक यहाँ पर है, तो यहाँ से एच जाएगा तो ऑब्वियसली इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ पर आपने डबल बॉन्ड बना लिया, ये एक कंपाउंड हो गया। दूसरा हाइड्रोजन कहाँ से जा सकता है, तो बाजू वाला कार्बन ये भी है, तो यहाँ से एच जाएगा तो इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बनेगा, तो दूसरा डबल बॉन्ड यहाँ से बना लिया। मेजर प्रोडक्ट किससे बोलेंगे, तो जिस साइड ज़्यादा कार्बन होगा उस साइड मेजर प्रोडक्ट, तो इस कार्बन के पास बहुत सारे कार्बन अटैच्ड है इसलिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, जबकि इस कार्बन के पास आगे कुछ नहीं है तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। नोटबुक में लिखो, फिर सेकंड क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो अभी पढ़ा आपने वो बहुत इम्पोर्टेंट है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं, जिसका हो गया हो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। टू क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन, टू क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन, उसका मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा उसे ट्राई करो। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ, टू क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन, तो टू क्लोरो टू मिथाइल ब्यूटेन का यदि आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखोगे ब्यूट मीन्स वन टू थ्री और फोर, फोर कार्बन अरेंज कर लिए, टू क्लोरो तो सेकंड पोजीशन पर सीएल है तो सेकंड पोजीशन पर आपने सीएल जोड़ लिया, ओके, टू मिथाइल तो यहाँ पर मिथाइल भी जोड़ लिया। अब हमें करना है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, जहाँ हेलोजन है वहाँ से तो हेलोजन जाएगा लेकिन उसके बाजू वाले से हाइड्रोजन जाएगा, तो चलो यहाँ से आपका सीएल है, ओके, ये कार्बन पे सीएल है और उसके बाजू वाला कार्बन ये ले लो, तो यहाँ से एच जाएगा तो इनके बीच में क्या बन गया, डबल बॉन्ड। दूसरा ऑप्शन क्या है कि यहाँ से सीएल जाएगा तो बाजू वाला कार्बन, ये भी तो बाजू वाला कार्बन है, तो यहाँ से एच जाए तो डबल बॉन्ड इस साइड बनेगा, ओके, बट इस साइड एक ही कार्बन है लेकिन इस साइड देखोगे तो दो कार्बन है, तो ज़्यादा कार्बन कौन सी साइड है, तो ये वाली साइड जो है वो ज़्यादा कार्बन है इसलिए हम इस साइड पे एच निकालेंगे, तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो जिस साइड ज़्यादा कार्बन है उस साइड से एच निकालो तो मेजर प्रोडक्ट और माइनर प्रोडक्ट आपको मिल जाएंगे। लिखो सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन लिखो।
जिसका हो गया वो थर्ड क्वेश्चन ट्राई करो। टू कमा टू कमा थ्री ट्राई मिथाइल थ्री प्रोमो पेंटेन, टू कमा थ्री ट्राई मिथाइल थ्री ब्रोमो पेंटेन। सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, पेंटेन है, पेंटेन का मतलब पांच कार्बन। काउंटिंग करो तो वन टू थ्री फोर एंड फाइव, टू टू डाई मिथाइल, तो सेकंड पोजीशन पर दो मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, थ्री थर्ड पे भी मिथाइल ग्रुप, तो थर्ड पर भी मिथाइल है, फिर थ्री ब्रोमो, तो थर्ड पोजीशन पर बी आर भी अटैच है। अब हमें डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करना है, तो यहाँ से आपका हेलोजन जाएगा, ओके, तो ये आपका मेन कार्बन है। अब उसके बाजू वाले कार्बन को ढूंढो, तो बाजू वाले कार्बन बहुत सारे हैं, एक कार्बन ये है लेकिन यहाँ पर तो एच है नहीं, तो इस साइड तो कुछ नहीं होगा। दूसरा कार्बन आपका ये है, दूसरा कार्बन आपका ये है, तो यहाँ से भी एच जा सकता है, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, ओके, लेकिन यहाँ पर इसके पास एक ही है तो ये माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस कार्बन के साथ दूसरा कार्बन कौन सा है, तो ये वाला, यहाँ पर कार्बन अटैच्ड, तो इसके बाद इसके पास से एच जाएगा, तो ये कार्बन के पास से हेलोजन गया और बाजू वाले कार्बन से एच गया, तो इनके बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, तो यहाँ पर हमने डबल बॉन्ड बनाया, ओके, और इस साइड में ज़्यादा कार्बन अटैच है इसलिए ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके पास एक ही कार्बन है और दूसरा कार्बन नहीं है, तो ये आपका माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, जबकि ये आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। लिखो नोटबुक में, CH3, क्या CL छे भाई, BR तो रिमूव થઈ જાય ને, એલિમિનેશન, બીટા એલિમિનેશન, આ એલિમિનેશન કર્યું ને આપણે, યહાં સે BR રિમૂવ કરો, યહાં સે H, તો એલિમિનેશન કિયા ના આપણે, यहाँ सी एच थ्री है, तो बहुत ही सिंपल है। एक ही चीज ध्यान रखना है कि कार्बन के पास जहां हेलोजन है उस हेलोजन को तो रिमूव करना है, फिर उस कार्बन के बाजू में कौन कौन से कार्बन है उसको देख लो, और उसमें से किसके पास ज्यादा कार्बन अटैच्ड है उसके पास से हाइड्रोजन निकालो और उस साइड डबल बॉन्ड बनाओ। तो ये आपका सिरजेफ रूल है, जेडसेफ या तो सिरजेफ रूल, ओके, चलो नेक्स्ट। टेन पॉइंट फिफ्टीन, पहले रिएक्शन को समझ लो। आपके पास है एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब नॉर्मल ब्यूटेन और ब्रोमीन, उसका मतलब स्ट्रक्चर आपका ऐसा कुछ हो जाएगा, CH3 CH2 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 Br, ऐसा स्ट्रक्चर है। ओके, अब इसे कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप इस कार्बन को सिलेक्ट कर लो, तो ये कार्बन मेरा सेंटर कार्बन हो गया, जहाँ मैंने सेंटर कार्बन लिखा हुआ है, ओके, दूसरा उसके पास दो हाइड्रोजन है, तो दो हाइड्रोजन हमने रख लिए, दो हाइड्रोजन हमने बना लिए, फिर उसके पास Br अटैच है तो हमने Br भी ड्रॉ कर लिया, फिर और क्या क्या अटैच है, तो ये इतना पूरा पूरा अटैच हो जाएगा, टोटल कार्बन कितने हो गए, एक दो तीन, तो C3H7 हो जाएगा।
फिर आपको मैकेनिज्म करना है, किसके साथ रिएक्शन कराना है, केसीएन के साथ। हमें मालूम है कि सीएन रिमूव हो जाएगा, बीआर रिमूव हो जाएगा और सीएन आ जाएगा, लेकिन लिखेंगे कैसे। तो हमने एक सेंटर कार्बन ले लिया, यहाँ हो गया एच, यहाँ हो गया एच, यहाँ हो जाएगा बीआर, फिर यहाँ लिखेंगे C3H7 और यहाँ पे सीएन माइनस। तो सीएन माइनस को हमें अटैक कराना है, सीएन माइनस आपका अटैक करेगा कौन से कार्बन के ऊपर, तो ये वाले कार्बन पे अटैक करेगा और बीआर यहाँ से रिमूव होगा। ओके आप स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर में ये दोनों, ये तीनों इस साइड है। ओके यहाँ देखो ये तीनों इस साइड हो गए, तो कौन सा रिएक्शन हुआ ये, जिसे आप क्या बोलोगे बोलो। तो बी आर रिमूव हो गया, बी आर यहाँ से रिमूव हो गया। ओके बी आर निकल चुका है और स्ट्रक्चर आपका पहले इस साइड था। ओके अब स्ट्रक्चर आपका इस साइड हो गया और बी आर की जगह कौन एंटर हो गया, सी एन एंटर हुआ। तो ये कौन सा रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन कौन सा हुआ, ये इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ। हाँ SN2 और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, आपका स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो ये SN2 मैकेनिज्म हुआ। तो आपको क्वेश्चन में कैसे पूछा है कि ये रिएक्शन दिया गया है KCN इथेनॉल H2O और NBuCN, ओके साइनाइड जुड़ेगा, तो वो बताना है कि आपका मैकेनिज्म बताना है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताना है, सिंपल इसे ड्रॉ करो नोटबुक में। कार्बन के साथ C3H7H और H, फिर Br और CN को अटैक कराओ और वहाँ से CN Br रिमूव हो जाएगा, C3H7HH और प्लस Br। तो सिंपल सा एक ऊपर वाला एक रिएक्शन ही लिखना है। अब एक्सरसाइज का रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन 10.12, एक्सरसाइज के रीजनिंग टाइप के तीन क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करेंगे 10.12। चलो यहाँ क्वेश्चन है, द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। द डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड डिस्कस करना है एक्सरसाइज का 10.12। उसके तीन रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है, वो रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन हम लिखेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सीख लो। आपके पास है क्लोरोबेंजीन और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। ओके तो क्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर देखोगे तो सीएल और बेंजीन आएगा, यहाँ पर क्लोरीन विड्राइंग ग्रुप है, इसलिए जब आप डाइपोल मोमेंट शो करोगे तो ऐसे डाइपोल मोमेंट शो करोगे ऊपर वाली साइड। ओके ऐसे, और बेंजीन, बेंजीन भी कैसा है, तो बेंजीन भी विड्राइंग ग्रुप है, तो इसका डाइपोल मोमेंट, बेंजीन का डाइपोल मोमेंट ऐसे आता है। तो देखो एक दूसरे का डाइपोल मोमेंट कैंसिल हो जाएगा, तो नेट डाइपोल मोमेंट आपका क्या हो जाएगा, जीरो। जबकि बेंजाइल क्लोराइड के केस में क्या होगा कि ये बेंजाइल क्लोराइड है, मैं सपोज ऐसे लिखूँ इसे बेंजीन रिंग साइक्लोहेक्सेन, बेंजाइल क्लोराइड भी नहीं साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड लिखा है, तो अंदर बॉन्ड नहीं आएगा, तो CH2 और Cl लिख रहा हूँ। चलो इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे जाएगा ऊपर, क्योंकि Cl आपका विड्राइंग ग्रुप है, और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड ये जो पार्ट है वो अल्केन है, वो भी इलेक्ट्रॉन ऐसे, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे शो करोगे, तो नेट डाइपोल मोमेंट कौन सी साइड हो गया, तो कि भाई नेट डाइपोल मोमेंट ऊपर साइड हो गया। ओके इसलिए साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का जो डाइपोल मोमेंट होगा वो क्लोरोबेंजीन के कंपेयर में कैसा हो जाएगा, ज्यादा होगा। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ओके फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपके पास क्लोरोबेंजीन है और साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड है,
तो यहाँ क्वेश्चन ऐसे पूछा है कि क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट कम होगा और साइक्लोहेक्सैल क्लोराइड का ज़्यादा है, तो आपको क्या करना है, तो क्लोरोबेंजीन का डाइपोल मोमेंट और यहाँ पे बेंजीन का डाइपोल मोमेंट, तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, जबकि साइक्लोहेक्सैल क्लोराइड उसके अंदर डाइपोल मोमेंट सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे, इसलिए इसका डाइपोल मोमेंट ज़्यादा है। ओके, अब आप नोटबुक में, मैं लिखवा रहा हूँ उतना ज़रा नोट डाउन करो, लिखो नोटबुक में, इन क्लोरोबेंजीन, हाँ ड्रॉ कर लो पहले, चलो लिखो, इन क्लोरोबेंजीन द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट, द इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सी एल एटम इज अपोज्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग रेजोनेंस इफेक्ट। देयरफॉर इट हैज रिलेटिवली रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। लोअर डायपोल मोमेंट पैराग्राफ कर लो। ऑन द अदर हैंड इन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सी एल एटम It has higher dipole moment.